हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुबह सुबह की भाग दौड़ में कुछ नया हेल्दी और अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो ये ब्रेकफास्ट आपके लिए है और ये बहुत जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है और बिना किसी झंझट के। रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि ऐसी ही नई नई और आसान सी रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए, बिना देर किए हम जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 10-15 लहसुन की कली, 1 मुट्ठी हरी धनिया और 250 ग्राम को अच्छे से धो करके हम एक जार में पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल करके अच्छे से इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके एक पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे 1 कप हम सूजी डाल देंगे। इसमें सूजी चाहे मोटी हो या पतली हो, कोई भी सूजी यहाँ चलेगी। 1/2 कप इसमें हम दही डाल देंगे। 1/4 कप पानी डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक। और यहाँ पे 3 चम्मच में गेहूं का आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब इसे हम फिर से एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा ये पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। एकदम स्मूथ पेस्ट हम बनाएंगे और जार में थोड़ा सा पानी डाल करके उसे भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। देखिए, बैटर हमारा चम्मच को कोट कर रहा है। इस तरह की कंसिस्टेंसी का हम बैटर बना लेंगे और इसे के 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। हमें सूजी हमारी जो है अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। अब हम इडली खमन बनाने वाली जो कढ़ाई आती है उसको ले सकते हैं, या तो आप नॉर्मल घर की कढ़ाई रख दीजिए गर्म होने के लिए, और कोई थाली ले लीजिए, उसको इस तरह से ऑयल लगा करके हम ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो चुका है। अब मैं यहाँ 1 से 1.5 चम्मच बैटर को इस थाली में फैला दूँगी। तो देखिए, चारों तरफ इसको हमें इस तरह से फैला देना है। बहुत पतला भी नहीं करना है हमें और बहुत मोटा भी नहीं करना है। 1 से 1.5 चम्मच जो हमारा ये बड़ा वाला चम्मच है, इससे हमें इसमें बैटर को फैलाना है। देखिए, थाली को इस तरह से टैप कर देते हैं ना, तो भी हमारा बैटर बहुत ही अच्छे से फैल जाता है। तो अब ये मैं 2 प्लेट रख रही हूँ कढ़ाई में, सिंगल प्लेट भी रख सकते हैं। तो पानी बहुत गर्म हो गया है और अब दोनों प्लेट को मैं एक के ऊपर एक कढ़ाई में रख दूंगी और करीब 5 से 7 मिनट में हमारा ये बैटर पक करके तैयार जाएगा। तो देखिए, 7 मिनट हो गए हैं और बहुत बढ़िया हमारा बैटर ये पक गया है। और नीचे थोड़ा सा पानी इसे हम देंगे तो ये पानी निकल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस प्लेट को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, इसके बाद इसमें कट लगाएंगे। आप चाहें तो इसको पूरा ही निकाल करके फिर रोल करके फिर छोटे कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसको 3 पार्ट में कट कर रही हूँ, थोड़े बड़े पीस में। तो देखिए, मैं इस तरह से इसको रोल कर ले रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही आसानी से एकदम अच्छे से रोल हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया ये रोल हुआ है। तो एक में तीनों पट्टियों से रोल, जैसा कि मैंने बताया, पूरा एक साथ निकाल करके रोल करके और इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे बैटर को बारी बारी इस थाली करके और रोल करके निकाल लूँगी। तो देखिए कितना बढ़िया ये हो रहा है, मैं नज़दीक से भी आपको दिखा। अब हम एक पैन गरम होने के लिए रखेंगे और इसमें 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जब राई और जीरा हमारा अच्छे से चल जाए तो इसमें 2 लाल मिर्च और 1 टीस्पून हींग डाल देंगे। अब आप चाहे तो इस तड़के को इस ब्रेकफास्ट के ऊपर, इस नाश्ते के ऊपर डाल दीजिए, या तो इस नाश्ते को ही इस तड़के में डाल करके हिला लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया और फटाफट से हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे टोमेटो केचप या किसी हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारा जल्दी से नाश्ता बन करके तैयार हो गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।